हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन वाले म्यूजिक गुरु और आपके लिए मैं लेकर आया हूं संगीत का भरपूर ज्ञान इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, संगीत हमें प्रकृति से मिला हुआ ऐसा वरदान है जिससे हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। प्रकृति के हर कण में संगीत बसा हुआ है, शायद इसीलिए हम संगीत को अपनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। दोस्तों, संगीत में गाना बजाना, अभिनय करना, नृत्य करना भी हो सकता है, पर आज हम बात करने वाले हैं गाना सीखने की सही शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, गाना सीखने से पहले आपको अपनी आवाज के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। आपकी आवाज कैसी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपकी आवाज में अगर सुर ना हो तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए आपकी आवाज में क्लासिकल बेस का होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, आपने तानपुरा वाद्य के बारे में सुना ही होगा, जो कि शास्त्रीय संगीत का मूल आधार है। अगर आप चाहते हैं आपकी आवाज साफ सुथरी और सुरीली हो जाए, इसलिए आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर तानपुरा ड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद स्केल सेटिंग में जाकर अपनी आवाज के हिसाब से एक स्केल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि रियाज करने में आपको आसानी हो। दोस्तों, स्केल हमारी आवाज की एक प्रॉपर रेंज होती है, जिसमें हम आसानी से गाना गा सकते हैं या रियाज भी कर सकते हैं। ज्यादातर जेंट्स सी शार्प या डी शार्प स्केल का इस्तेमाल करते हैं और लेडीज ए शार्प या जी शार्प स्केल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस एप्लीकेशन पर हम रियाज कैसे करेंगे। दोस्तों, तानपुरा स्केल सिलेक्ट करने के बाद जो भी स्वर गूंजता है उसके साथ हमें अपनी आवाज मैच करनी होती है, फिर चाहे वो स्वर में हो, आकार में हो या ओमकार में हो। जैसे कि तो दोस्तों, इस तरह से सुबह या शाम को आप इन सुरों का अभ्यास कर सकते हैं, रियाज कर सकते हैं, और इसकी वजह से आपकी आवाज में एक क्लासिकल बेस आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी आवाज धीरे धीरे खुलने लगेगी और सुरीली भी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए म्यूजिकल कंटेंट के साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।